सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, पर वक्त सिर्फ उसी का आता है जो पलट कर ऊपर आता है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने संख्याओं के प्रकार को विस्तार से सीखा, अब हम जानेंगे संख्याओं के आपस में संबंध को एक ग्राफ के माध्यम से। तो आइए देखते हैं इस ग्राफ के माध्यम से संख्याओं के बीच में क्या संबंध होता है। तो देखते हैं संख्या ग्राफ को। संख्या ग्राफ, संख्याएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, रियल नंबर। एंड सेकंड, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ओके, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर एंड काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत सारी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आती हैं। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं के अंतर्गत सारी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आती हैं। यानी वास्तविक संख्याओं की अगर बात की जाए तो वास्तविक संख्याओं कौन संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, सारी परिमेय संख्याएं एंड सारी अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं में 1, 2, 1/2, 0/1, 1.2 एंड अपरिमेय संख्याओं में √2, √3 एटसेट्रा। बात करते हैं काल्पनिक संख्याओं की। तो काल्पनिक संख्याएं एक्चुअल में संख्याएं होती नहीं है, केवल इनकी कल्पना की जा सकती है। सपोज दैट अगर माइनस के अंदर आपको कहीं रूट मिलता है तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। ओके गाइस, तो वास्तविक संख्या एंड काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं जो है टू टाइप्स की होती हैं, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी रेजनल नंबर, रेजनल नंबर एंड अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इरेजनल नंबर, इरेजनल नंबर। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। बात करते हैं परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में डिनोट कर सकते हैं, यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जिनको हम लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परिमेय संख्याएं 1, 2, 1.2, 0/1, 1.123 बार एटसेट्रा। ओके, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। इन संख्याओं को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p अपॉन q के रूप में डिनोट नहीं कर सकते हैं। अर्थात रूट के अंदर अगर कोई ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग में ना हो, सपोज √2, √3, √5, √7 एटसेट्रा, तो ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्या यानी परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में डिनोट कर सकते हैं। परिमेय संख्याएं टू टाइप्स की होती हैं, एक तो पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक पूर्णांक संख्या, और दूसरी भिन्न संख्या,
भिन्न संख्या, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स, इंटीजर्स 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 आल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो एंड आल पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल इंटीजर, यानी सारे धनात्मक ऋणात्मक और जीरो को जोड़कर जो नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं थ्री टाइप्स की होती हैं, पहला ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या यानी नेगेटिव इंटीजर, सेकंड धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या एंड थर्ड, थर्ड जो है होती है शून्य पूर्णांक संख्या, शून्य यानी जीरो इंटीजर। तो पूर्णांक संख्या थ्री टाइप्स की होती है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, शून्य पूर्णांक संख्या। अब ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, सो ऑन, ओके। और धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत सारे धनात्मक नंबर आते हैं, वन, टू, थ्री, फोर, सो ऑन। बात करते हैं शून्य पूर्णांक संख्या, तो शून्य पूर्णांक संख्या के अंतर्गत जो है जीरो आता है, ओनली जीरो, शून्य पूर्णांक संख्या के अंतर्गत जीरो आता है। जब हम धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को और शून्य पूर्णांक संख्याओं को आपस में मिला देते हैं, तो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ही होती हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। ये कैसी संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, संख्या, ओके। और जब इसमें हम धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में जब जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, जीरो को इंक्लूड कर देते हैं जब इसमें, यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या प्लस जीरो, तो ये बन जाती है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, जीरो, वन, टू, थ्री, सो ऑन, ओके फ्रेंड्स। तो इन नंबर्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस में जानकारी दे रखी है, आपको पूरा जो है विस्तार से पढ़ा चुका हूं मैं। अगर आपने वो वीडियोस ना देखे हो तो आप वीडियो में दी गई डिस्क्रिप्शन की लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हो। प्राकृतिक संख्याओं को निम्न तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं, पहला अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को रूड संख्या भी बोलते हैं, रूड, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ओके। दूसरा भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी बोल सकते हैं, भाज्य संख्या या डिविजिबल नंबर। तीसरा सम संख्या, सम संख्या यानी इवन नंबर, एंड फोर्थ विषम संख्या, विषम संख्या, ओके फ्रेंड्स। पहला अभाज्य संख्या यानी रूड संख्या, या इसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। दूसरा भाज्य संख्या, भाज्य संख्या यानी डिविजिबल नंबर। थर्ड सम संख्या यानी इवन नंबर, एंड फोर्थ विषम संख्या यानी ऑड नंबर। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें एक और उस संख्या के स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग ना जाए, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल टू, टू, थ्री, फाइव, सेवन, सो ऑन। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग चला जाए, वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल फोर, सिक्स, एट, नाइन, सो ऑन। एंड सम संख्या, दो से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं, दो, चार, छः,
आठ विषम संख्या, जो संख्या दो से विभाजित ना हो वो विषम संख्या होती हैं, थ्री फाइव सेवन सो ऑन। ओके, तो संख्या ग्राफ के माध्यम से हमने संख्याओं के संबंध को आपस में जाना, यानी वास्तविक संख्याएं रियल नंबर और काल्पनिक संख्याएं इमेजिनरी नंबर, ये नंबर जो है मुख्य रूप से होते हैं। ओके, एक बात यहाँ हम आपको और बता देते हैं कि जब वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं आपस में मिल जाती हैं तो बनती हैं मिश्रित संख्याएं। मिश्रित संख्या, इसको ए प्लस आई बी से डिनोट करते हैं। वेयर ए इज रियल नंबर एंड आई बी इज अ इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जाम्पल, एक रियल नंबर लेंगे 2 एंड एक इमेजनरी नंबर लेंगे, तो ये नंबर, इस टाइप के नंबर क्या होंगे, मिश्रित संख्याएं कहलाएंगी। ओके, तो अब इस ग्राफ के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे सकते हैं। सपोज आपसे क्वेश्चन किया जाए कि सारी विषम संख्याएं धनात्मक पूर्णांक संख्या होती हैं अथवा नहीं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, यस सारी विषम संख्याएं धनात्मक पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आती हैं। ओके, सारी विषम संख्याएं धनात्मक पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आती हैं। आपसे क्वेश्चन किया जाए सारी प्राकृतिक संख्याएं, मैं प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा हूं, सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं अथवा नहीं, सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं अथवा नहीं, तो यस सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आती हैं। सारी प्राकृतिक संख्याएं जो है पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आती हैं। अगर बात की जाए कि सारी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, सारी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, जी नहीं, सारी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं, केवल धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ही प्राकृतिक संख्या होती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये बात आसानी से समझ गए होंगे, सारी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती हैं, केवल धनात्मक पूर्णांक संख्या ही प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं, और अगर इसमें जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अब बात करते हैं परिमेय संख्या की, तो सारी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या हो सकती हैं अथवा नहीं, सारी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती हैं, जबकि सारी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। सारी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती हैं, जबकि सारी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती हैं। ओके, बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की, यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या आता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब बात की जाए कि सारी अपरिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या होती हैं, तो यस बिल्कुल होती हैं, सारी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, जबकि इसको रिवर्स बोले हम कि सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, विकास इनमें परिमेय संख्याएं भी इंक्लूड होती हैं। सारी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत सम संख्याएं आती हैं, विषम संख्याएं आती हैं, तो इस चार्ट के माध्यम से आप संख्याओं के इन विभिन्न प्रकारों को आसानी से सीख सकते हो, आसानी से जान सकते हो, इनमें संबंध स्थापित कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस ग्राफ के माध्यम से ये जाना कि संख्याओं के बीच में क्या संबंध होता है और उनको आसानी से सीखा। तो फ्रेंड्स, डर और अपॉर्चुनिटी के बीच में जो चांस मिलता है ना, और उस चांस के साथ जो रोमांस करता है, वही असली हीरो होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।